हरदोई में अखिलेश यादव का पुतला फूंकने पर सपा नेताओं में आक्रोश। मामले में की कार्रवाई की मांग, मांगे पूरी ना होने पर दी सीएम का पुतला जलाने की चेतावनी। अमेठी में दबंगों की दबंगई आई सामने, पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर ताना सलाह, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सांसद हरीश द्विवेदी ने साधा सपा पर निशाना, जिन्ना वाले बयान पर माफी मांगने की कही बात, कहा अखिलेश ने स्वतंत्रता सेनानियों का किया अपमान। हमीरपुर में दोस्त ने की दोस्त की हत्या, युवक को कुल्हाड़ी से काटा, मछली खाने को लेकर हुआ था विवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। खबरों की शुरुआत बड़ी जानकारी से करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, 12 नवंबर को बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन होगा। गृहमंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होंगे। मंत्री और करीब 650 पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। वाराणसी में 3 दिनों के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। उत्तर प्रदेश में चुनावों को भुनाने की पुरजोर कोशिश बीजेपी कर रही है, तो ऐसे में जानकारी मिल रही है कि 12 नवंबर को बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक का भव्य आयोजन होने जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होंगे। भव्य इसलिए क्योंकि काफी संख्या में पदाधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं और पुरजोर कोशिश रहेगी कि इस तरह से जनता को अपने विकास कार्यों की जानकारी दी जाए। हालांकि जब भी योगी आदित्यनाथ या कोई भी बीजेपी का बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में संबोधन करता है जनता का, तो जो भी कार्य किए हैं इन 5 सालों में वो सभी जनता के समक्ष रखे जाते हैं। तो पुरजोर कोशिश है कि कैसे जनता को और लुभाया जाए, जनता के बीच पहुंचा जाए, जनता के मन में क्या चल रहा है उसे टटोलने की कोशिश करने के लिए वाराणसी में 3 दिनों के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। इससे पहले लखनऊ आए थे, लखनऊ में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। 12 नवंबर को एक बड़ी बैठक का आयोजन बीजेपी करने जा रही है। मंत्री और करीब 650 पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। वाराणसी में 3 दिनों के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह रहेंगे। और लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, यूपी के पुरास्थलों और स्मारकों पर हो सकेगी फिल्मों की शूटिंग। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। सरकार ने जारी की अपनी धरोहर अपनी पहचान नीति, प्रदेश की विरासत और परंपरा को देश विदेश में प्रचारित करना है नीति। शूटिंग के लिए 10,000 रुपए प्रतिदिन का शुल्क लिया जाएगा, 50,000 रुपए जमानत राशि करनी होगी। पुरातत्व विभाग के निदेशक के पास 1 सप्ताह पहले आवेदन कराना होगा। शूटिंग से पहले और बाद में वीडियोग्राफी के जरिए निगरानी की जाएगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की लखनऊ से मिल रही है। दरअसल पुरातत्व विभाग के निदेशक के पास 1 सप्ताह पहले आवेदन कराना होगा। जानकारी मिल रही है कि शूटिंग हो सकती है और शूटिंग से पहले और बाद में वीडियोग्राफी के जरिए निगरानी भी रखी जा सकती है। तो यूपी के स्मारकों पर अब फिल्मों की शूटिंग हो सकती है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। सरकार ने अपनी धरोहर अपनी पहचान नीति लागू की है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी रूबी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रूबी, एक और जानकारी और बेहद ही बड़ी जानकारी कि अब जो भी इमारतें हैं, जो विरासत है, जो धरोहर है उत्तर प्रदेश की, वहां पर अब शूटिंग की जा सकती है, लेकिन उसे पहले आवेदन देना होगा और जमानत राशि भी रखनी होगी। क्या जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर? काजल, देखिए पहले भी खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, लेकिन अभी इधर भी काफी देखने को मिल रहा है। मनोरंजन को लेकर योगी आदित्यनाथ काफी उत्साही दिख रहे थे, क्योंकि अभी हाल ही में लखनऊ में अक्षय कुमार भी आए थे उनसे मुलाकात करने। और लखनऊ में कई ऐसी जगह है जहां पर शूटिंग पहले भी की जाती थी और अब भी चालू है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की हम बात करें, जितने भी ऐतिहासिक धरोहर है उनको वहां पे पहुंच के लिए वहां पे शूट करना, उससे पहले आवेदन करना, क्योंकि एक तो शुल्क भी रखा गया है और उस शुल्क को जमा करने के बाद ही आप उन जगहों पे जाके शूट कर सकते हैं। हालांकि लखनऊ में कुछ ऐसी खास जगह हैं, जैसे लखनऊ का इमामबाड़ा हो, बड़ा इमामबाड़ा हो, छोटा इमामबाड़ा हो या रेजिडेंसी हो, इसके साथ ही साथ यहाँ की कुड़िया घाट फेमस है, उन सभी जगहों पे अब बोर्ड भी लग चुके हैं और उस पर बतौर लिखा भी है कि इतने घंटे से इतने घंटे अगर आप शूट करते हैं तो आपको ये शुल्क अदा करना होगा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है, ये जो अपनी धरोहर अपनी पहचान नीति है, इससे हम क्या समझ सकते हैं और इससे क्या फायदा प्रदेश को होगा, प्रदेश की जनता को होगा और प्रदेश के विकास को होगा?
देखिए काजोल, विकास की बात अगर हम बात कर रहे हैं तो खास तौर से इसमें दो तरीके से सामने पहलू दिख रहे हैं। पहला तो ये है कि जो धरोहर है वो बाकी जगहों पे देखने को मिलेगा, बाकी जगहों में फेमस होगी, लेकिन अगर पैसे भी जब इससे आएंगे तो कुछ और मेंटेनेंस हो सकता है। तो कुल मिला के देखा यही जा रहा है कि जो इस तरीके से जो नीति तैयार की गई है वो विकास के साथ साथ पब्लिसिटी को लेकर भी खास ख्याल रखा गया है, क्योंकि अगर ये जो पहलू तैयार किए गए हैं, अगर इनके बिंदु अगर हम देखते हैं तो उन बिंदुओं पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आप अगर कैमरा लेके जाएंगे तो आपको इतना अदा करना होगा, बिना कैमरा के जाएंगे आपको इतना अदा करना होगा, और बतौर शुल्क के तौर पे आपको ये फायदा ये जरूर मिलेगा कि उन जगह पे अगर जरा भी बहुत टूट फूट होती है तो उसकी भरपाई हो सके और उन जगहों का विकास जरूर होगा, और इसके साथ ही साथ एक अलग पहचान देखने को मिलेगी, क्योंकि लखनऊ की जो पहचान है रूबी गेट, उसको सिग्नेचर पॉइंट कहा जाता है, उसको पहले भी वो लोग फेमस जानते थे, लेकिन अब इन तरीके से जो नीति अपनाई जा रही है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ दिख रहा है कि योगी सरकार अब पूरे उत्तर प्रदेश को एक अलग पहचान देने के लिए रुक चुके हैं। ठीक है रूबी, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की प्रदेश की विरासत और परंपरा को देश विदेश में प्रचारित करने का जो उद्देश्य है वो यहाँ पर रखा गया है। दरअसल शूटिंग के लिए 10,000 रुपए प्रतिदिन का शुल्क लिया जाएगा, 50,000 रुपए जमानत राशि जो है वो जमा करनी होगी, यानी कि जो प्रांत विभाग है उसने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि वहां पर एक सप्ताह पहले आवेदन भी कराना होगा, शूटिंग से पहले और बाद में वीडियोग्राफी के जरिए निगरानी भी रखी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि अखिलेश यादव को पाकिस्तान में जाकर चुनाव लड़ना चाहिए या फिर उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अखिलेश देश को तोड़ने वाले और देश का बंटवारा करने वाले जिन्ना को देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना करते हैं, और इस बयान से देश के लाखों करोड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान भी हुआ है। आप बता दें कि जो जब जब चुनाव आती हूँ उत्तर प्रदेश में तो जिन्ना का जो चिन्ह है वो अचानक से जाग उठता है, और एक बार फिर से वही हुआ है। जिन्ना पर राजनीति खूब हो रही है। अखिलेश यादव ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की और जिन्ना की तुलना कर दी, जिसके बाद बीजेपी के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में अब नाम आ रहा है बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी का, जिन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि या तो उन्हें पाकिस्तान जाकर चुनाव लड़ना चाहिए या फिर उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उनका साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव ने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है और जिन्ना देश को तोड़ने वाले, देश को बंटवारा करने वाला था, ना कि लौह पुरुष की तरह देश की एकता, देश की अखंडता के लिए प्राण न्यौछावर करने वाला। दो दिन पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार का बयान दिया है, पूरा देश हतप्रभ है, पूरे देश में गुस्सा है। अखिलेश यादव जी ने देश के तोड़ने वाले को, देश का बंटवारा करने वाले को, देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल से तुलना करके देश के लाखों करोड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान किया है, देश का अपमान किया है, सरदार पटेल जी का अपमान किया है। मेरा आप सबके माध्यम से अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी से ये मांग है कि जिसको हिंदुस्तान में अपना हीरो नज़र नहीं आता है, जिसको हिंदुस्तान में कोई महान पुरुष अपना आदर्श नहीं नज़र आता है, ऐसे अखिलेश यादव जी को पाकिस्तान में जा करके चुनाव लड़ने का निर्णय लेना चाहिए। हरदोई में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला फूंकने पर सपाइयों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। वहीं इसको लेकर सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि सपा सुप्रीमो का पुतला जलाने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जाए, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो पूरे जिले में अलग अलग स्थानों पर मुख्यमंत्री का पुतला फूकेंगे। मामले में पार्टी कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जीतू ने भाजपाइयों पर पुतला फूकने पर मुकदमा लिखने की मांग की है। साथ ही कहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूकने पर सपा कार्यकर्ताओं पर मुकदमा लिखा गया था, उसी तरह से भाजपाइयों पर भी मुकदमा लिखा जाना चाहिए, क्योंकि सभी के लिए कानून बराबर है। तो हरदोई की तस्वीरें, अखिलेश यादव का पुतला फूकने पर सपा नेताओं में आक्रोश है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मोहम्मद आसिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ, लगातार हम देख रहे हैं कि जो सपा के कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का पुतला फूका है, तो इसको लेकर
अब सपाइयों में काफी ज्यादा आक्रोश है। मुकदमा दर्ज कराने की मांग वो कर रहे हैं। क्या इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई हो पाई है? क्या मुकदमा दर्ज हुआ है? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी का पुतला बीजेपी के विधायक थे, उन्होंने अपने समर्थकों के साथ फूंका था, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने एक प्रेस वार्ता की और उसमें मांग की है कि भाजपा के जो भी कार्यकर्ता और विधायक हैं उनपे मुकदमा लिखा जाए, और जो है शासन प्रशासन से उसने मांग भी की है कि मुकदमा लिखने की। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो हरदोई का ये पूरा मामला है, अखिलेश यादव का पुतला फूंकने पर सपा नेताओं में आक्रोश है और मुकदमा दर्ज करने की मांग वो लगातार कर रहे हैं। फिलहाल कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन गुस्साए जो सपा कार्यकर्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता तो वो भी अलग अलग इलाकों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूकेंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जैसे जब सपा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन करती थी तो फिर उन कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया जाता था, तो ऐसे ही अब मुकदमा दर्ज होना चाहिए क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। वही अमेठी में दबंगों की दबंगई सामने आई है, जहां एक मामूली बात को लेकर कुछ दबंगों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर असलाह तान दिया। वही दबंगई की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पंप के मालिक ने मामले में पुलिस से शिकायत की और न्याय की गुहार लगाई है। अमेठी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दबंगों की दबंगई यहां सामने आई है। पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर असलाह तानते हुए कुछ युवक नजर आ रहे हैं, पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, किसी बात को लेकर यहाँ कुछ दबंग और जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी थे उनके बीच कहासुनी हो गई, और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दबंगों ने असला निकाल लिया और कर्मचारी पर तान दिया है। हालांकि कुछ लोगों ने बीच बचाव करके इस पूरे मामले को ठंडा कराया, मामले को शांत कराया, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल ये है कि आखिर इन दबंगों में कानून का खौफ क्यों नहीं है? लगातार पुलिस प्रशासन अपनी पीठ थपथपाती है कि वो अपराध पर अंकुश लगा रही है, दबंगों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये तस्वीरें दिखाती हैं कि पुलिस भले ही कितनी अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन ये दबंग बाज नहीं आने वाले। तो पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। अमेठी में पुलिस ने एक अंतरजनपदीय 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पांचों के पास से चोरी की 4 बाइक और एक तमंचा समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। खबरों की माने तो पुलिस को ये कामयाबी मुखबिर की सूचना पर मिली, जिसके बाद छापेमारी में ये 5 शातिर गिरफ्तार किए गए हैं। तो अमेठी का ही पूरा मामला, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से चोरी की बाइकें, अवैध असलाह और तमाम सामान बरामद किए गए हैं। राजस्थान के बीकानेर में दीपावली पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। वहीं पुलिस सुप्रिंटेंडेंट योगेश यादव ने शहर के जो व्यस्त मार्ग हैं, केएम रोड सहित अन्य जगहों पर भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही सभी जगह अच्छी व्यवस्था होने पर संतोष जताते हुए सभी से सहयोग करने की अपील की है। बीकानेर की तस्वीरें दीपावली के मद्देनजर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पुख्ता कर दी गई है, चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं। पुलिस सुप्रिंटेंडेंट ने शहर का भ्रमण किया है और लोगों से सहयोग करने की अपील की है। जो भी दुकानदार हैं उनसे भी अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, शांति व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और दूसरी तरफ सुरक्षा के मद्देनजर भी ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और खुद जो पुलिस अधिकारी हैं वो भ्रमण पर निकले हुए हैं, जो भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है वहाँ पर खुद जाकर भ्रमण कर रहे हैं, क्या स्थिति है इस बात का जायजा ले रहे हैं। मेन मार्केट है और दिवाली की जो भी भीड़ भाड़ का जो पीक जो बनता है वो इसी मार्केट में बनता है, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि इस इलाके की दिवाली के मद्देनज़र पूरी सेफ्टी लोगों के लिए भी और बाकी भी जो है फिजिकल सेफ्टी भी सब तरह की व्यवस्थाएं करना बहुत जरूरी है। उसके लिए सफिशेंट जाप्ता दिया गया है, पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, टिकट्स भी हैं, मोबाइल्स भी हैं, हमारी लेडी कॉन्स्टेबल जो हैं वो भी हैं, लगातार गश्त भी रहे हैं। पार्किंग को लेके कुछ जो है अपने जो भी इसमें समाधान हो सकता है उस बारे में विचार किया जा रहा है।
हालांकि जिस तरह से हर साल होता आया है उसी तरह की ही बड़ी पार्टी पे अभी बनाई गई है। आगामी त्योहार दीपावली को लेकर बाजारों में खासा रौनक देखी जा रही है। वहीं धनतेरस के मौके पर बीकानेर के बाजारों में लोगों की भीड़ दिखाई दी। बाजारों में बड़ी खरीदारी के चलते दुकानदारों के चेहरे भी खिले खिले दिखाई दे रहे हैं। बीकानेर की तस्वीरें, बाजारों में रौनक दिखनी शुरू हो गई है, दुकानदारों के चेहरे खिले हुए हैं। तो दीपावली का त्यौहार शुरू हो चुका है, धनतेरस से ही इसकी शुरुआत हो जाती है और धनतेरस से ही बाजारों में रौनक देखने के लिए मिल रही है। बीकानेर की जो व्यस्तम मार्केट है वहां पर भी अद्भुत नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। व्यापारियों में खुशी का माहौल बना हुआ है क्योंकि बीते दो सालों से कोरोना की वजह से आर्थिक स्थिति लोगों की चरमरा गई थी। ऐसे में इस बार लोगों को उम्मीद है, व्यापारियों को, दुकानदारों को उम्मीद है कि उनकी अच्छी बिक्री हो सकेगी क्योंकि बाजारों में रौनक के साथ साथ भीड़ भी काफ़ी संख्या में दिखाई दे रही है। तो बीकानेर की तस्वीरें जहां पर दुकानदारों के चेहरे खिले हुए हैं, काफ़ी संख्या में लोग दुकानों पर पहुंच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। दीपावली का त्यौहार शुरू हो चुका है और इस महापर्व को लेकर सभी लोग ज़रूरी सामान खरीदने के लिए बाजार में पहुंच रहे हैं। जितनी भी दुकानें हैं, चाहे वो मिठाई की दुकान हो, बर्तनों की दुकान हो या फिर ज्वेलरी शॉप हो, वहाँ पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। बीकानेर के हुसनसर गांव में दो पक्षों में मारपिटाई हो गई। वहीं इस मारपिटाई को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए एसपी को ज्ञापन सौंपा है, साथ ही मामले में आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की भी मांग की है। इसके अलावा अपने लिए सुरक्षा प्रदान करने की भी बात की। बता दें कि 1 अक्टूबर को चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपिटाई हुई थी जिसका मामला पुलिस में दर्ज करवाया गया था। तो बीकानेर की तस्वीरें जहां पर मारपीट के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन लगातार जारी है। एसपी को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की है, साथ ही कहा है कि उनकी सुरक्षा भी उन्हें मिलनी चाहिए। चुनावी रंजिश में बीते 1 अक्टूबर को यहां पर विवाद हो गया था जिसको लेकर ग्रामीण जो है काफी ज्यादा दहशत में है, साथ ही साथ वो कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे हैं। फरुखाबाद जिले में धन परिवर्तन के मामले में पैरवी के लिए आए विपिप नेताओं पर पीड़ित किशोर की मां ने चप्पल चला दी, जिसके बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। हंगामा इतना बढ़ गया कि भारी पुलिस बल और कई हिंदू संगठन और बीजेपी के कई नेता लोहिया अस्पताल आ गए। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस ने सभी को समझाकर मामला शांत कराया। बता दें कि शमशाबाद थाना क्षेत्र के गाँव असगरपुर के निवासी एक 14 साल के युवक का कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन करा दिया था, जिसकी जानकारी परिजनों को 4 साल के बाद हुई, जिसके बाद परिजनों ने मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं सोमवार को पुलिस पीड़ित को लेकर अस्पताल आई, जिस दौरान ये मारपीट हो गई। तो फरुखाबाद की तस्वीरें जहाँ पर युवक की माँ ने विपिप नेताओं पर चप्पलें चलाई हैं, पुलिस ने मामले को जैसे तैसे शांत कराया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक 14 साल के नाबालिग का धर्म परिवर्तन करा दिया गया था, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराजगी परिवार में देखने के लिए मिल रही है। तो फरुखाबाद ज़िले में धर्म परिवर्तन के मामले में पैरवी के लिए आए विपिप नेताओं पर पीड़ित किशोर की मां ने चप्पलें चला दी, जिसके बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। यह हंगामा इतना बड़ा कि भारी पुलिस बल और कई हिंदू संगठन और बीजेपी के कई नेता लोहिया अस्पताल आ गए। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस ने सभी को समझाकर मामले को शांत कराया। बता दें कि शमशाबाद थाना क्षेत्र के गाँव असगरपुर के निवासी एक 14 साल के युवक का कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन करा दिया था, जिसकी जानकारी परिजनों को 4 साल के बाद हुई, जिसके बाद परिजनों ने मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। वहीं सोमवार को पुलिस पीड़ित को अस्पताल लेकर आई, जिस दौरान ये मारपिटाई हो गई है। थाना शमशाबाद में एक तहरीर दी गई थी जिसके सापेक्ष सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया था। उस बच्चे का शमशाबाद PHC पे मेडिकल परीक्षण कराया गया था, वहाँ के डॉक्टर साहब के द्वारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए हाई सेंटर पे रेफर किया गया। चिकित्सालय के जो हमारे CMS साहब हैं उनके द्वारा उस पर निर्णय लिया गया। हमीरपुर में एक युवक की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक की हत्या उसके ही दोस्त ने कुल्हाड़ी से काट कर की थी। खबरों की माने तो दोनों के बीच मछली खाने को लेकर विवाद हो गया था, जो कि इतना बढ़ गया कि एक दोस्त ने ही दूसरे दोस्त की जान ले ली।
तो हमीरपुर का एक पूरा मामला है जहां पर एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मछली खाने को लेकर कहासुनी हो गई थी और कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि एक दोस्त ने अपने ही दोस्त पर जानलेवा हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार दीपोत्सव पर अयोध्या में 12 लाख दिए जलाने की तैयारियों में सुबह से ही जुटी हुई है। इन 12 लाख दियों में 9 लाख सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी पर जलाने की तैयारियां हो चुकी हैं, वहीं 3 लाख दिए अयोध्या के मठ मंदिरों में जलाए जाने को लेकर दिए वहां पहुंच चुके हैं। ये सभी दिए शाम 6 बजे से जलाए जाएंगे। 12 लाख दियों के साथ ही योगी सरकार अयोध्या में दिए जलाने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इस दौरान सीएम योगी सरयू आरती भी करेंगे। तो हर साल की तरह इस साल भी भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा और एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। 12 लाख दिए एक बार में जलाए जाएंगे और 9 लाख दिए जो हैं वो सरयू घाट पर और राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे, वहीं जो 3 लाख दिए हैं वो मठों में मंदिरों में जलाए जाएंगे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।